हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स रेखा इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आज मैं आपके लिए फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ और गैस ये किस चीज़ का व्लॉग होगा आप देख सकते हैं ये है वेस्ट टू वंडर जो कि है दिल्ली में और ये बहुत ही अच्छा पार्क है बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टार्टिंग में डाइनासॉर्स शो हो, हो रहे हैं मीन्स ये है फुल ऑफ डाइनासॉर्स इस पार्क पर तो ये देखिए एंट्री हमने कर ली है और एंट्री करते ही राइट साइड में फूड कोर्ट है और सीधा जा रहे हैं हम और यहाँ पर एक फ़ाउंटेन बड़ा सुंदर फाउंटेन है मतलब उतना भी वाव नहीं है बट आप देख सकते बेसिक बेसिक्स है पर अच्छा लग रहा था ये देखिए स्टार्टिंग में एक सब एक व्यू आपने देख लिया डायनासोर का इन्होंने ये वेस्ट टू वंडर इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि ये व, वंडर्स इन्होंने बनाए हैं वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके ठीक है तो आगे हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे सेवन वंडर्स में से इन्होंने कुछ वंडर्स बनाए हुए हैं और बेसिकली ये पार्क जो है वो पूरा फुल ऑफ डायनासोर से भरा हुआ है यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ और देखिए फुल ऑफ ग्रीनरी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे ही पूरा वो है ग्रास बट पूरा एक तरह से जंगल में ऐसा लगता है कि पार्क बनाया हुआ है बहुत अच्छा यहाँ पर सिस्टमेटिक uh, वे में uh, पूरे फ्लास लगे हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े और इन्होंने पेड़ पेड़ में भी इन्होंने कुछ अट्रैक्ट करने के लिए लाइक मंकी uh, का फेस लगा दिया है कहीं पर शेर का लगा दिया है तो क्या जाते जाते ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी बीच में देख सकते आप ये जो वे था ये कितना क्लीन है बहुत ही नीट एंड क्लीन पार्क है ये आप आएंगे आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा मतलब बच्चों को लेकर आइए वो भी एंजॉय करेंगे और उन्हें भी मतलब इंडिया में सेवन वंडर्स देख जाएंगे मतलब जो आउट ऑफ इंडिया भी है वो यहाँ उनको देखने मिल जाएगा देखिए ये है गैस क्या है सभी को पता होगा ये है आईफिल टावर वैसे तो ये पेरिस में है पर ये आपको दिल्ली में भी मिल जाएगा जो वेस्ट टू वंडर में बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर है ये रात में अगर आप आएंगे तो इसमें लाइटिंग भी है लाइट जलती है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है देखिए अब हम चल रहे हैं यहाँ पर आगे अभी ये था कि बहुत सारे हैं तो जल्दी जल्दी कवर करना था इसलिए ये देखिए बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी है जो चाहे इसमें अपना एंजॉय कर सकते हैं और ये देखिए ये है क्राइस्ट द रिडीमर ये जो है ये आपको ब्राज़ील में मिलेगा ठीक है वैसे इनकी ओरिजिनल स्टैचू ब्राज़ील में है और ये जो है ये स्पेस टू वंडर में भी ये बनाया गया और ये भी बहुत सुंदर है मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है आप देख के कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि मतलब तो थोड़ा सा भी कुछ इसमें डिफेक्ट है या कुछ भी बहुत अच्छा था थर्ड आप देख सकते हैं ये है ताजमहल का छोटा सा रूप ताजमहल भी इन्होंने बनाया है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और रियल आपको पता ही है सभी को पता है कि वो आगरा में है अब देखिए हम फिर से आगे बढ़ चुके हैं राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों साइड आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे हैं ये देखो हेलो ये तो बीच बीच में करना अच्छा लगता है थोड़ा सा कि थोड़ा सा बूम मिलता है है ना ये देखिए मैं इस बार सेल्फ़ी स्टिक यूज़ कर रही थी ताकि व्यू थोड़ा अच्छे से कवर कर पाऊँ यहाँ आप देख सकते हैं वेस्ट टू वंडर लाइक की कार जो वेस्ट हो गई है जो डिस्ट्रॉय डैमेज हो गई है उसको इन्होंने यूज़ किया है डायनासोर बनाकर उसे बीच में इन्होंने फिट कर दिया है देखिए आप उधर बैक साइड से ऊपर से चढ़ो एंड देन एन्जॉय देखो एक और डायनासोर है यहाँ पर ये भी कैसे बनाया हुआ है इन्होंने इतना सुंदर लग रहा था ये बहुत ही बड़ा है मतलब तो तो इस पे हम चढ़ नहीं सकते आगे ऐसे भी डायनासोर्स हैं जिस पे इन्होंने स्लाइड बना रखी है आप एंट्री करो ऊपर देन स्लाइड करके नीचे आ जाओ ये देखो मतलब वेराइटी ऑफ डाइनासॉर्स मिलेंगे देखो आगे जो ब्राउन कलर में दिख रहा है वो भी डायनासोर ही है जो बैठा हुआ है उस पोज में बना हुआ है ये ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पार्क है जब बहुत कम आते बहुत सारे लोग आते हम जब गए थे बहुत भीड़ थी यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर बस यही थोड़ा सा इस एरिया में यहाँ पर डायनासॉर्स और एक यही था कार वाला तो ये हम लोग भी बैठे हुए थे तो थोड़ा ऊपर से रोहित यहाँ से कैप्चर कर रहे थे ये देखिए आगे भी हम जाएंगे आगे भी बहुत सारे मतलब ऐसे ही डायनासोर्स मिलेंगे इससे भी बड़े बड़े हैं और जिसमें साथ में झूले भी हैं स्लाइड्स भी है ठीक है।, है अब जैसे वेस्ट टू वंडर का नाम है तो यही है कि इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ये एक ऐसा स्टैचू बनाए जो देखने में भी बहुत सुंदर हो और जिसमें ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट भी ना हुई हो ये देखिए यहाँ पर अंशु है मैं हूँ बस हम देख रहे थे और यही सब शूट्स हो रहा था ये देखिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल है ये देखिए यहाँ पर एक और था बहुत ही बड़ा डायनासोर था ये भी कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जिन जिसमें इन्होंने साउंड फिट कर रखा था तो प्रॉपर वो उसकी साउंड निकल रही थी जिससे शाउट कर रहा हो डायनासोर यहाँ पर ये यह देखिए आगे हम फिर से चले आगे भी इन्होंने बीच बीच में इस तरह से बैठने के लिए टेंट बनाए हुए थे कि अगर कोई थक गया है वॉक करते करते तो थोड़ी देर रेस्ट कर सकता है एक ये सामने बहुत ही सुंदर बहुत बड़ा ही बरगद का पेड़ था जिसमें इन्होंने छोटी छोटी सीड्स लगा रखी थी मतलब एक तरह से इन्होंने पेड़ को भी अट्रैक्टिव वो करके रखा है कि आप जा रहे हो तो हर एक चीज़ आपको देखने में बड़ी सुंदर लगेगी ये स्लाइड देखिए डायनासोर के मुंह से इन्होंने एक स्लाइड निकाली थी तो बस मैं अंशु को लेके गई थी और फिर मैंने भी एक स्लाइड करी अच्छा लग रहा था यहाँ पर ये छोटा सा व्यू था जहाँ पर इन्होंने एक प्यारी सी सीनरी शो करी है जहाँ पर डायनासोर है और पानी है बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था ये और आगे हम आपको ले चलते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी ये देखिए बहुत ही सुंदर है आपको पता ही होगा कि ओरिजिनल जो है वो न्यूयॉर्क में है तो ये देखिए और ये साथ में आप देखिए लीनिंग टावर ऑफ पिसा है ये भी बहुत ही सुंदर था देखने में मतलब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं पिरामिड है ओरिजिनल सभी को पता है कि ये आपका इजिप्ट में है ये भी बहुत ही सुंदर है बहुत बड़ा है देखकर मतलब ऐसा लग रहा था कि तो सेवन वंडर सारे यहीं पर आ गए हैं तो गाइज यहाँ तक की वीडियो जो आप देखी है आपने ये बहुत ही अच्छी है आप यहाँ आएंगे आपको यहाँ आप फुली एंजॉय करेंगे ओके फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू